हेलो फ्रेंड्स, जैसे सभी का नमस्कार और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ब्लॉग शुरू होता है और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा हमारी बेटी अयोध्या है। दोस्तों अयोध्या पे कोशिश होगी दोस्तों हमारी कि वो ब्लॉग भी दोस्तों आती नहीं है, कैमरे से बच के रहती है। तो आज उसका बर्थडे है 2 अप्रैल को दोस्तों, तो हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे पर रखें दोस्तों और कुछ उनसे बातचीत करें। तो फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि हम अयोध्या को रख पाते हैं कैमरे पे या नहीं, और जो भी होगा हम आपको दिखा देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं आपको ब्लॉग्स के बाद में, और जो भी होता है आप देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो इस टाइम दोस्तों मेरी बर्थडे गर्ल, मेरा बच्चा आज बर्थडे है दोस्तों, 2 अप्रैल है, और हमारी बेटी अयोध्या दोस्तों हमारे छोटे भाई सुंदर की बेटी है दोस्तों, और हमारी बेटी है, आज बर्थडे है हमारी बेटी का, हम बहुत खुश हैं। 2 अप्रैल है। तो मेरी बेटी अयोध्या, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी मेरा बच्चा अपनी लाइफ में चाहे वो अचीवमेंट करे उसे। तो ओके ओके, और ठीक है बेटा जी। तो बाकी भाई, आज बर्थडे पे कुछ कर रही है मेरी बेटी, हो रहा कुछ या आज नहीं? कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कहीं जाना है जरूरी काम। अच्छा, तो दोस्तों आज हमें पार्टी रखनी थी बर्थडे की, पर हम रख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बेटी, हमारे भाई, फैमिली विद फैमिली कहीं जाना है, जरूरी जाना है, तो इसलिए आज हमारी पार्टी कैंसिल हुई है दोस्तों। तो अच्छा बेटा, थोड़ी मिस तो नहीं कर रहे हैं आप कोई पार्टी वोटी कुछ ऐसे? नहीं। अच्छा, तो और सुनाओ मेरा बेटे, बाकी ठीक है आप हैं जी? अच्छा, तो अयोध्या के बारे में दोस्तों आज हम थोड़ी सी मतलब बातचीत करते हैं और अपनी बेटी से मस्ती लेते हैं। तो मेरा बच्चा, तो आपके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो बेटा, आप पढ़ती कौन सी क्लास में है? अभी रिजल्ट आया तो 7th में गई हूं। अच्छा, 7th में गई है। तो दोस्तों मेरी बेटी 7th में हुई है अभी। अच्छा ओके, मेरा बच्चा जैसे आपका वो है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शौक क्या है मेरे बच्चे का? शौक तो बस एक ही है, फुटबॉल खेलने। अच्छा, फुटबॉल का शौक है? अच्छा, तो खेलती हैं आप फुटबॉल? हाँ जी। अच्छा, क्या टाइमिंग रहती है आपकी फुटबॉल की? फुटबॉल की 4 से 6। 4 से 6, 2 घंटे हैं? हाँ जी। तो बेटा, जैसे स्कूल कितने बजे जाती हैं आप? स्कूल 8 बजे लगता है, 7:50 तक चले जाते हैं। अच्छा, और छुट्टी कितने बजे होगी आपको? 2 बजे होती है और 2:30 पे घर पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से चलता है आपको। तो डेली रूटीन के बारे में, क्या कितने बजे उठते हैं आप? डेली रूटीन के बारे में बताइए हमें बेटा। उठते तो कभी कभार 6:30 बजे उठ जाते हैं, वैसे 7 बजे उठते हैं और आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं, फिर जाते स्कूल, फिर 2:30 तक घर आते हैं, फिर होमवर्क करते हैं सारा, फिर उतने में अकेडमी का टाइम हो जाता है 4 बजे से 6 बजे तक, फिर 6 बजे घर आते हैं, 6:30 बजे जाते घर आते आते तो 6:30 बजे फिर मेरी ट्यूशन होती है, फिर वहाँ से 8:30 या 8 बजे आते हैं। अच्छा। फिर या तो थोड़ी देर फोन देख लिया या टीवी देख लिया, और फिर खाना खा के सो जाते हैं। अच्छा, तो सोते कितने बजे बेटा आप? 10 बजे। तो दोस्तों ये मेरी बेटी की एक्टिविटी रहेगी दोस्तों दिन भर। अच्छा, तो बेटा और जैसे यार आपके और नहीं कोई शौक, जैसे डांस वगैरह करती है कुछ? पीछे क्या तो था शायद आपने, क्यों नहीं था? तो दोस्तों मेरी बेटी कैमरे पे भी नहीं आती है अब तो, अयोध्या आप मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी प्रैक्टिस करे कैमरे पे आने की, करे बार बार आए। तो बेटा अब आओगी आप? तो फ्रेंड्स, मैंने बेटी अपने को गाइडेंस किया है कि बेटा आप आइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। तो ये कैमरे पे आती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है दोस्तों इससे लाना। अब शायद ये हमारी बात मानेगी, इसको मानेगी ना बेटा जी। है ना, तो क्योंकि आपका इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा जहाँ भी आप जाओगी, तो इसलिए आपको कैमरे पे आना है और बात करनी है, ठीक है? अच्छा, तो चलो। तो बेटा ये उठा, जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहेगा बेटा? मैथ्स और साइंस। मैथ और साइंस, अच्छा, तो इसमें ठीक है आप पढ़ने के लिए हैं? पढ़ने के लिए तो पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, साइंस मैथ्स में आए जाते हैं अच्छे नंबर। अच्छा, ये आपका फेवरेट है? अच्छा, वेरी गुड। तो दोस्तों जब हम पढ़ते थे तो हमारा भी यही सब्जेक्ट फेवरेट ही होता था, तो हमारा भी यही था वैसे मैथ वगैरह ना, फेवरेट यही हमारे भी थे बेटा। अच्छा, तो जैसे आपका फेवरेट टीचर कौन होगा बेटा? फेवरेट टीचर मेरी मैथ्स की जगदीप मैम है।
जगदीप बे में। अच्छा, वेरी गुड। तो जैसे आपका ये फिर बड़ा दिन में जो स्कूल है आपका, उसमें एक्टिविटी क्या रहती है आपकी दिन में? स्पोर्ट्स वगैरह हाँ, सारे दिन में कैसे कैसे चलता है आपका? सुबह हम जाते हैं, स्कूल जाते हैं जैसे 8 बजे, 8-10 तक हमारी असेंबली होती है। फिर उसके बाद हमारे मतलब 2-40 मिनट के पीरियड लगते हैं, उसमें मतलब हिंदी या और साइंस ही होते हैं हमेशा। अच्छा। और सैटरडे वगैरह को हमारे डांस हो जाता है फर्स्ट, हाँ, और फिर उसके बाद हमारे को 10 मिनट की फ्रूट ब्रेक मिलती है, उसमें हम बातें करते हैं और फ्रूट खाते हैं। फिर अच्छा। 40 मिनट के 3 और पीरियड लगते हैं, जैसे इंग्लिश, SST, कंप्यूटर या पंजाबी वगैरह के। फिर अच्छा। 20 मिनट की लंच ब्रेक होती है, उसमें हम बाहर घूमते हैं, खाना खाते हैं और बातें करते हैं। फिर उसके बाद 3 और पीरियड लगते हैं, जिसमें एक एक्टिविटी होता ही होता है और बाकी और भी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह हो जाता है। फिर अच्छा हमारी छुट्टी हो जाती है। अच्छा तो बेटा, जैसे ये आपको फ्रूट कहा ना आपने कि फ्रूट भी मिलते हैं आपको दिन में ना, हाँ जी, वो स्कूल स्कूल वालों से ही होते मिलते हैं नहीं या अपने ले होते, जाना पड़ता अपना है? ले जाना पड़ता है। हाँ अच्छा, उसको अपने ले जाते हैं सब बच्चे हैं। जी, अच्छा, बाकी हम शेयर भी कर लेते हैं एक दूसरे का, कोई नहीं लाता तो मैम, या फिर मैम दे देते हैं कुछ खाने के लिए, अगर कोई बच्चा भूल जाते लाना तो। अच्छा, तो ये चलो अच्छी बात है कि मिलजुल कर सब खाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा लंच ब्रेक में भी हम लोग मतलब एक टेबल है, उसके चारों तरफ बहुत सारी कुर्सियां लगा लेते हैं और ऐसे 3-4 ग्रुप बना लेते हैं जिसमें बैठ के खाते हैं, सब अपना एक दूसरे का लंच शेयर करते शेयर हैं। करते हैं। अच्छा, और हाँ बेटा। हमारे स्कूल में कम्युनिटी लंच भी होता है साल में एक बार, जिसमें मैम 2-3 टेबल साथ मतलब दीवार के साथ एक लाइन में रख देते हैं। वहाँ पे सभी के टिफिन होते हैं, अच्छा जिसमें ज्यादातर बच्चे जंक फूड लाते हैं, कुछ हेल्दी भी लाते हैं लेकिन, और मतलब बहुत कुछ लाते खाने के लिए, और सब थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं और सब शेयर करके खाते हैं उसमें। अच्छा तो जैसे बेटा आपका ये क्लास है ना, इसमें आप बच्चे कितने होंगे बेटा? हम 27 बच्चे हैं और 7th में हम सबको ना शफल कर रहे हैं, 4 सेक्शन बना रहे हैं 5 से। क्या क्या कहा आपने, जैसे 7th में? हाँ, 7th में सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, 5 से 4 सेक्शन बना रहे हैं ना। अच्छा, जैसे आपका 6th है ना ये, हाँ इसमें जी, सेक्शन एक ही है आपका या कितने सेक्शन पांच अगर? सेक्शन है और अब 4 बना रहे 7th में, सब अलग अलग कर रहे दोस्त। अच्छा, तो इस तरह से दोस्तों चंडीगढ़ में। बेटा आपके स्कूल का नाम क्या है चंडीगढ़? आशियाना पब्लिक स्कूल। आशियाना पब्लिक स्कूल की बात करें दोस्तों, चंडीगढ़ के अंदर है ये। तो बेटा ये कहाँ तक है, कितनी क्लास तक है इसमें? ये 10th तक है और हमारे स्कूल में भी 11th और 12th भी बन रही है, अच्छा जिसमें शायद अभी आर्ट्स और कॉमर्स होगा, बाद में शायद नॉन मेडिकल और मेडिकल भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अभी 10th तक गई है हाँ ये, कब जी, तक होगा बेटा ये? जब तक आप जाओगी तब तक तो हो ही जाएगा हाँ ना। तब तक 11th 12th हो ही जाएगी, अगर आर्ट्स और कॉमर्स ही हुआ तो फिर स्कूल चेंज करना पड़ेगा, अच्छा, आप क्या लोगे आगे? नॉन मेडिकल। अच्छा, तो बेटी दोस्तों है तो इंटेलिजेंट बंदी, पर अब देखते हैं ये क्या करती है हमारी बच्चा। अच्छा, तो और क्या बोलेंगे बेटा आप? तो बेटा अभी जैसे होली थी तो इसमें कुछ मस्ती किया हमारे बच्चे ने? बहुत मस्ती करी, मतलब मैं ना सुबह मतलब 6-7 बजे उठी, मैंने 2 बाल्टी गुब्बारों की फुलाई। हम अच्छा उस छोटी होली में तो ज्यादा मजे नहीं करे, थोड़ा सा सुबह छोटी होली के बारे में तो इतना ही था। मैं सुबह उठी, हम लोग दोस्त ना सुबह हमेशा क्रिकेट खेलने जाते हैं पार्क में, तो मैंने और मेरी दोस्त ने एक प्लान बनाया था कि हम लोग ना सारे क्या करेंगे कि सबको ना कलर लगा देंगे। हम दो वो मुझे बुलाने आई, ठीक है, मैंने बोला ठीक है चल चलते हैं। मैं हम लोगों ने कलर अपने हाथ में लिए और सबके मुंह पे लगा दिए, बाद में हम दोनों भी खुद रंग गए थे। फिर बड़ी होली में मतलब ये हुआ कि हम सब अपने अपने घर थे, मैं 6-7 बजे उठी, मैंने 2 बाल्टी गुब्बारे फुला ली। फिर मेरे ना दोस्त आया एक, वो कहता बाहर आ जा, मैं जैसी बाहर गई उसने मेरे मुंह पे पक्का रंग लगा दिया। नहीं यार, हाँ, कौन सा पक्का रंग लगाया? पक्का रंग लाल लगाया था, पक्का रंग लगाया था, मिट ही नहीं रहा था, तो मैंने छोड़ा चलो रहने दो अभी क्या करना है, ठीक है। फिर हमने वहां पे पक्का रंग लगाया, उसने मुझे गुब्बारे भी दिए, फिर मैंने भी उसके गुब्बारे मार दिए, ठीक है। फिर वो चला गया, मैंने कहा थोड़ी देर में आऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद गई और मैं वहां जैसे ही गई तो मुझे पूरा पक्के रंग से मतलब हर्बल कलर तो मानो यूज ही नहीं करा, अच्छा, पक्के रंग है। पक्के रंग से। फिर मैंने भी सबको पक्के रंग से रंग दिया। अच्छा, तो वहां कितने फ्रेंड थे आपके? अच्छा, बहुत सारे थे और बहुत सारी गलियों में से दूसरे बच्चे भी आए थे, उन्होंने भी हमें कलर लगाए, हमने भी उनको कलर रंग दिया।
पूरी मस्ती की होली में। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, हमें अंडे भी बजे, और मतलब मगलैल वगैरह तो पता नहीं सब बालों पे लगा दिया होगा, अच्छा, और टमाटर वगैरह थे, और ज्यादातर बच्चे तो पक्के रंग से खेल रहे थे इस बार। इस बार पेपरों के बीच में होली नहीं थी, तो हमने पूरे 6 घंटे होली खेली। हम सबके घर पे गए और हाँ घर घर जाके सबको रंग लगाए, मतलब जो भी हमारे 2-4 दोस्त थे, नहीं आए थे, उनको हमने कलर लगाए थे। अच्छा, बाकी हमें तो बहुत ज्यादा कलर लग गया था मेरे तो, और मतलब उतर ही नहीं रहा था, मतलब पूरा लाल हो गया था, और हाथ भी नीले हो गए थे सारे। अच्छा बाकी एक बच्चा था जिसको हमने टारगेट बनाया था, उसको मैंने पूरा पक्का रंग लगाया था। अच्छा पीछे से बच्चे उसको गुब्बारे मार रहे थे, कोई कलर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है उसको। बाद में जब वो बाहर आया तो उसके मतलब कलर ही नहीं उतरा नहाने के बाद भी। अच्छा एक बच्चा और आया था, उसने मतलब उसी बच्चे के पूरे पर्पल पक्का रंग लगा दिया था, उसके वो भी नहीं उतरा। अच्छा हमने उसके हरा रंग लगा दिया था, बाकी मैंने बच्चों के काले रंग भी लगा दिया था अच्छा तो पूरी पक्का। मस्ती ली आपने। जी अच्छा तो बेटा, वो जैसे दूसरे त्योहार कोई आपको है कुछ हाँ जी, कि मनाया दशहरा हो आप? है, दशहरा की हम 2-3 महीने से तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छा और हाँ, जैसे दशहरा तो वहाँ पर काफी वो मनाते हाँ हैं बहुत जी ज्यादा ना। हाँ जी, जैसे मतलब जालियां होती है ऐसे गोल करके, जिसके अंदर पौधे लगाते हैं, हम उसको 2-3 ले आते हैं ढूंढ के, और उसमें मतलब कम से कम 2-3 हफ्ते तक सिर्फ पेपर के साथ ग्लू से उसको लगाते हैं, 2-4-5 घंटे या 2-3 घंटे उसी में देते हैं, खेलना बंद कर देते हम 2-3 महीने तक, अच्छा तो बस उसी की तैयारी करते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, जैसे ही 1 महीना बच जाता है वैसे ही हम पूरे अपने ब्लॉक में जाते हैं, जैसे हम 45D में रहते हैं तो पूरा 45D घूमते हैं, और मतलब हम सबसे पैसे कलेक्ट करते हैं। अच्छा, वो बच्चे जाते नहीं जैसे मांगना है? हाँ जी अच्छा हाँ जी, हम बस दशहरे के लिए जाते हैं, और दशहरे वाले दिन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी। बड़े भैया थे, बहुत सारे लोग थे, बड़े बच्चे भी थे, छोटे भी थे, सब थे। तो बड़े बच्चे जाकर पटाखे ले आए थे, उन्होंने पटाखे लगा दिए, हमने उनकी मदद कर दी, हमने ड्राइंग ड्राइंग करी, हमने फेस बना दिया, बाकी कपड़े कपड़े बना दिए, तलवार लगा दी। तो जैसे वो रावण बनाते हैं उन्हें यहाँ पे। हाँ, रावण बनाया, फिर हम हमारे घर के पास मंडी ग्राउंड है, हम उसको वहां लेकर गए। लेकिन वहां पे ना मतलब एक टेबल था बहुत बड़ा, जैसे सब्जी वाले ठेले नहीं होते हाँ वैसे था टेबल, वहां पे मतलब उसके ऊपर खड़के मतलब भूसा होता है ना जैसे, उसको हम उसके अंदर डाल रहे थे अच्छा ताकि जल जाए वो अच्छे से, हाँ तो हमने डाला। लेकिन क्या हुआ कि ना वो मतलब डालते डालते एक भैया ने उसे गेर दिया, ओ और वो सारा गिर गया। लेकिन हमने उसे जब उठाया तो वो शाहरुख खान की पोज में खड़ा हो गया। अच्छा फिर उसके बाद उस टाइम हमारे उधर रामलीला भी चल रही थी, और जैसे ही उस टाइम 6 बजे रामलीला खत्म हो जानी थी, तो उसके हमने थोड़ी देर बाद ही 6:15 तक जला दिया रावण। और रावण इतनी जोर से जला ना कि हमें लोगों को पीछे होने बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि पीछे हो जाओ, वो खुद ही पीछे हो, बहुत जोर से पटाखे जले। अच्छा और बाकी दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे वो सारे भी मतलब उनके रावण भी बहुत अच्छे बने थे। हमने अच्छा हमारा रावण थोड़ा बड़ा था और उनका रावण थोड़ा छोटा था, इसलिए उनका थोड़ा ज्यादा अच्छा जला, पटाखों अच्छा के उस पे करे तो हम। अच्छा अच्छा तो चलो ठीक है बेटा, कोई और तो नहीं याद आपको, एक्सीडेंट कुछ और भी हुआ हो? और क्या बोलते हैं, हाँ एक लोहड़ी थी, लोहड़ी पे हम सब होते हैं, उधर आग जलाते हैं बेड़े में, और मतलब मूंगफलियाँ गज्जक वगैरह खाते हैं। मेरा एक दोस्त है, हम मैं उसके घर चली गई थी, मम्मी और भी आ जाते थे उधर, फिर हम लोगों ने अपने अपने रिलीजन की डिशेस भी दी थी उन्हें, अच्छा उन्होंने भी हमें दी थी, हम वहाँ पे भी मूंगफलियाँ खा रहे थे, पॉपकॉर्न वगैरह खा रहे थे, और बस मजे कर रहे थे, और अच्छा पटाखे पटुखे जलाते हैं उधर। अच्छा और अनफॉर्चुनेटली ना वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता जो मेरी आंखों के सामने हुआ था। नहीं, अभी आपके सामने हाँ हुआ? जी, हाँ इनोवा और वरना का हो गया था। ओहो, हाँ जी अच्छा, ज्यादा हुआ एक्सीडेंट हाँ जी, इनोवा का बम्पर आगे से उड़ गया था। आपके सामने हुआ है? अच्छा, चोटे तो नहीं है ना किसी को? नहीं चलो गाड़ी का तो कोई बात नहीं, बंदे को चोट नहीं आनी चाहिए। अच्छा तो वेरी गुड, तो दोस्तों हमारी बेटी इस टाइम कैमरे पे है और अपने जो मतलब त्योहार मनाए हो मेरी बेटी ने, कुछ भी किया हो, ये एक्सप्लेन कर रही है हमारे सामने इस टाइम। तो बेटा कुछ और तो नहीं बताना है आपको? नहीं
अच्छा, तो फिर हमारी बेटी अयोध्या, दोस्तों आज बर्थडे है मेरी बेटी का, और हम फिर से अपनी बेटी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं जन्मदिन पर। तो ओके बेटा। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज आपने बॉक्स के मजे लिए होंगे, क्योंकि जो दोस्तों हमारी बेटी अयोध्या का आज बर्थडे है, और काफ़ी देर वो कैमरे पर रही है दोस्तों, हमने भी कोशिश की है, उसने भी हमारा साथ दिया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का ब्लॉग है, मैं इसे यहाँ समाप्त करता हूँ। और फ्रेंड्स, अभी आप वेट कीजिए, हमारा सुपर ब्लॉग्स अभी आया नहीं है दोस्तों, आना बाकी है। आप वेट कीजिए, लगातार ब्लॉग्स देखते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जल्दी ही बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है, वो अभी आया नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग से अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर हम आपसे कल मिलते हैं एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। ओके बाय फ्रेंड्स, ओके बाय।